केमिस्ट्री में हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या है? विलयन। ठीक है, दो क्वेश्चन एलए का एग्जाम देने जाओ तो भी इसमें से आते हैं, दो क्वेश्चन आपका सेकंड ग्रेड का एग्जाम दो तो उसमें भी आते हैं। ठीक है, ओके। इसका मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है। मिनिमम दो तो आते ही हैं, तीन भी आ सकते हैं, इतने इस टॉपिक में क्वेश्चंस बनते हैं। और जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पूरी केमिस्ट्री की बेसिक चीज होती है वो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर, उनको स्टडी करते हैं। चाहे मोलरिटी हो, नॉर्मलिटी हो, मोलरिटी हो, मोल फ्रिक्शन हो, पीपीएम हो, क्लियर। और जब हम उनके बारे में अच्छे से जान पाते हैं तो जाके हम चैप्टर के स्टार्टिंग करते हैं। तो इसका मतलब हुआ इस चैप्टर में हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, मैंने कहा डिफरेंट, ठीक है, यूनिट्स, ओके, ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सांद्रता की विभिन्न इकाइयां। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना इधर, ओके। सांद्रता की विभिन्न इकाइयां हम सबसे पहले ही पढ़ेंगे। इसमें क्या स्टडी करते हैं, एक मोलरता, मतलब मोलरिटी, क्लियर, क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, मोले, मोलरिटी, ओके, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। उसके बाद स्टडी करेंगे नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, क्लियर, नॉर्मलिटी, मैंने कहा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन से। फिर पढ़ेंगे मोललता, बोलो मोलेलिटी, मोलेलिटी, क्लियर, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पढ़ेंगे फॉर्मलता, फॉर्मलता मतलब फॉर्मेलिटी, क्लियर, इसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर पढ़ेंगे मोल प्रभास, ठीक है, बोले तो मोल फ्रैक्शन, क्लियर, उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बोलो क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन। फिर मैंने लिखा पीपीएम, पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, क्लियर, पार्ट्स पर मिलियन मतलब प्रति मिलियन इकाई, प्रति मिलियन इकाई, क्लियर। और फिर हम पढ़ते हैं परसेंटेज, क्लियर, परसेंटेज, बोलो परसेंटेज मतलब प्रतिशतता। और परसेंटेज में तीन स्टडी करते हैं, एक वेट परसेंटेज, बोलो एक वॉल्यूम परसेंटेज, एक वेट वॉल्यूम परसेंटेज मतलब एक भार प्रतिशतता, क्लियर, एक आयतन प्रतिशतता, क्लियर, और एक भार आयतन, बोलो मैंने कहा प्रतिशतता, क्लियर, ओके, ये हमें स्टडी करना है। एक्चुअली इस चैप्टर में हमारे ऑफिशियली एक मोलेलिटी, ओके, और एक मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा काम आते हैं, लेकिन हम बोलो सबको ही स्टडी कर रहे हैं क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं ये चीजें काम आती है, क्लियर। और जनरली एक क्वेश्चन तो यही से आ जाता है, ये जब हम पढ़ लेंगे तो एक्चुअली हमारा चैप्टर चालू होगा जिसका नाम क्या है, सॉल्यूशन। लेकिन इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें भी पढ़ते हैं, बात समझ में आए। और इनमें क्या होता है, आजकल बोलो न्यूमेरिकल तो है ही है, दूसरी चीजें भी बहुत सारी पूछते हैं जो मैं आपको स्टडी करूंगा तो बताऊंगा, क्लियर। तो आई थिंक ये हमारा पहला टारगेट रहेगा कि 7 के बारे में बोलो फॉर्मूला, यूनिट, इनके बारे में रोल ऑफ टेम्परेचर, इनके क्वेश्चन, हर एक चीज हम क्लियर करें, ओके। तो नोट करोगे आप,
ओके, ये स्टडी करना है। एक बार एक पैटर्न स्टडी कराऊंगा, उसी पैटर्न से सारी स्टडी करेंगे। तो ध्यान देना, पहला मैं क्या सिखाने जा रहा हूं, मोलरिटी। क्लियर? ओके। एक का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे बताऊं वैसा आपको ध्यान रखना है। पहले एक बार ये नाम नोट कर लिए, बोलो। ओके, हो गया सबका नोट। बोलो पहला क्या स्टडी कर रहे हैं, बोलो मॉलेरिटी। क्लियर? मॉलेरिटी, मॉलरता, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। ठीक है? और मैंने कहा मॉलेरिटी के लिए क्या बता रहा हूं, कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, मैंने कहा यहां पर बोलो मॉल ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा विलेय के मोल, ठीक है, डिवाइड बाय विलयन, बोलो विलयन का आयतन। पहले नोट मत करना, इधर ध्यान देना, और वो भी किसमें, इन लीटर। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? क्या फॉर्मूला होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किसका फॉर्मूला होता है, बोलो मोलरिटी का। क्लियर? अच्छा, अगर मुझे किसी के मोल मिल जाए और वॉल्यूम मिल जाए सॉल्यूशन का, तो मैं इजीली मोलरिटी निकाल सकता हूं। और अगर मोल नहीं मिले तो मोल मुझे बनाने आने चाहिए, अगर मुझे मास दे दे तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा, अगर वॉल्यूम दे दे तो 22.4 से डिवाइड करूंगा, अगर चार्ज दे दे तो 96500 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, जैसी चीज दे। क्लियर? लेकिन यहां पर आपको क्या दिया जाता है, मास दिया जाता है। तो इसका मतलब हुआ, अगर मैं कहूं यहां पर विलेय के मोल, बात समझ में आए, तो क्या बोलूंगा, विलेय की मात्रा डिवाइड बाय विलेय का अणुभार। क्लियर? बोलो क्या लिख रहा हूं, अगर मुझे कभी मोल ऑफ सॉल्यूट बनाना पड़े तो मेरा क्या होगा, बोलो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर? तो मेरा क्या मिल जाएगा, मोल, और मोल मिल जाए तो मोलरिटी में निकाल लूंगा। वॉल्यूम हमेशा किस में रखना है, लीटर में। अगर एमएल दे तो ऊपर 1000 करना पड़ेगा, तभी लीटर में बोलो बदल पाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ, ये मोलरिटी की थ्योरी थी। अब आपको मैंने कहा हमें क्या ध्यान रखना है, बोलो स्पेशल नोट। क्लियर? स्पेशल नोट नंबर वन, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनिट ऑफ कैपिटल एम। क्लियर? क्या लिखोगे, बोलो मोल पर लीटर। हमेशा सबकी यूनिट पता होनी चाहिए, फॉर्मूला उससे ही बनाया जाएगा। क्लियर? आपको एक फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको पता है मोलिटी मतलब मोल पर लीटर होता है तो फॉर्मूला अपना बन जाएगा। मोल मतलब किसका, सोल्यूट का, तो मोल ऑफ सोल्यूट। लीटर मतलब वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा। इसका मतलब हुआ कि सबकी यूनिट पता होगा तो फॉर्मूला हम बना लेंगे। क्लियर? अच्छा, दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? क्या पता होना चाहिए, बोलो ताप का प्रभाव। क्लियर? आजकल बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि चार दे देते हैं और पूछते कौन था टेम्परेचर से अनइफेक्टेड रहती है, कौन सी इफेक्टेड होती है, तो हमें हर एक में ऐसा चेक करना है। बात समझ में आए, मैंने कहा अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो हमें पता है वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और मोलरिटी के अंदर वॉल्यूम नीचे आता है तो वॉल्यूम जब नीचे आएगा तो मोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बात क्यों रटे हम, मेरी बात समझ में आए, वॉल्यूम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और मैंने कहा इसके 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 फॉर्मूले में बोलो वॉल्यूम कहाँ आ रहा है, नीचे, और अगर ये चीज बढ़ती है तो ये तो क्या होगी, बोलो घटेगी। बात समझ में आए, बोलो आपको। ओके, तो मैंने मैंने आपको अभी ये क्या बताया, समझ में आया, बोलो, यानी ये दो बातें अगर हमें पता है तो हमारा काम हो जाएगा। क्लियर? और मोल तो मुझे निकालना आना ही चाहिए, मोल की तो जरूरत मुझे हर जगह पड़ेगी। बात समझ में आए, बोलो। बस मैं ये ध्यान रख लूं तीसरी बात, कि जो एक मोल होता है वो बोलो मास में, द्रव्यमान में, मात्रा में किसके बराबर होता है, अणुभार के। अरे बोलो वॉल्यूम में, आयतन में, आयतन में, आयतन में किसके बराबर होता है, 22.4 लीटर के।
बोलो चार्ज, यानी आवेश में किसके बराबर होता है? मैंने कहा 96500 के, 96500 कूलम के। मैंने कहा संख्या में, मतलब नंबर में, बोलो नंबर में, बोलो किसके इक्वल होता है? 6×10^23। क्लियर? तो मेरा काम हो जाएगा। हालांकि मेरा यहाँ तो इस चैप्टर में लेना देना किससे होगा कि मुझे किसी सॉल्यूट की मास मिल जाए तो मैं मॉलिटी निकाल सकता हूँ। क्लियर? अब जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा ये तो है इसकी थ्योरी, ये हमने वो काम की बात निकाली जो हमें पता होगा तो हमारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो करके देखते हैं। यहाँ पर मैंने कहा कि बोलो पहले सिंपल क्वेश्चन, मैंने कहा आपको कि 2 मोल, ठीक है, NH3 गैस, बोलो 1 लीटर, बोलो मैंने कहा सॉल्यूशन क्लियर विलयन में मैंने कहा उपस्थित है, ठीक है, तो NH3 गैस की बोलो कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता विलयन में होगी। क्लियर? बोलो ये आपसे पूछा है, बात समझ में आए? बोलो क्लियर। क्या कहा मैंने? इफ 2 मोल NH3 गैस मैंने कहा आपको प्रेजेंट इन 1 लीटर बोलो सॉल्यूशन, क्लियर, और आपको कहा जा रहा है फाइंड आउट, क्लियर, बोलो कॉन्सेंट्रेशन बोलो ऑफ NH3 बोलो इन फॉर्म ऑफ मोलरिटी इन सॉल्यूशन। क्लियर? क्या पूछा मैंने आपको? अगर 2 मोल NH3 गैस 1 लीटर सॉल्यूशन में उपस्थित है तो NH3 की सांद्रता बोलो मोलरता में विलयन में होगी। क्लियर? ये क्वेश्चन है और ऑप्शन पक्के हमें क्या मिलेंगे? ए बी सी डी। क्लियर? बोलो हमें मिलेगा 1 बोलो मोल पर लीटर ऐसा भी मिल सकता है या 1 कैपिटल M भी मिल सकता है। क्लियर? डिपेंड ऑन एग्जामिनर, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर? बोलो मुझे 0.5 मोल पर लीटर भी मिल सकता है या 0.5 कैपिटल M भी मिल सकता है, 2 मोल पर लीटर भी मिल सकता है और 2 M भी मिल सकता है। अभी हम सीख रहे इसलिए हम हर चीज कर रहे हैं। 2.5 मोल पर लीटर भी मिल सकता है और मैंने कहा 2.5 M भी मिल सकता है, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बोलो क्लियर? डायरेक्ट मुझे मलाई दी है, बस खाने की जरूरत है। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? और डायरेक्ट सब कुछ दिया है ना। मैंने कहा ये क्या होता है? बोलो यहाँ पर मैंने कहा NH3 के मोल ओके डिवाइड बाय बोलो विलयन का आयतन, ठीक है, और वो भी किसमें? बोलो इन लीटर। ओके, मोल ऑफ NH3 डिवाइड बाय बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ सब कुछ तो दे रखा है। NH3 के मोल कितना दे रखे है? 2। वॉल्यूम कितना दे रखा? 1 लीटर। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया? बोलो 2 मोल पर लीटर या कैपिटल M। पहले बताओ, एकदम सिंपल क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन ये होता यदि 17 ग्राम, ठीक है, NH3 गैस मैं आपसे कहता कि बोलो यहाँ पर 2 लीटर, ठीक है, विलयन में उपस्थित है, ठीक है, तो NH3 गैस की बोलो सांद्रता मैंने कहा मोलरता में विलयन में होगी। क्लियर? बोलो क्या कहना चाह रहा हूं आपको? कहा जाए इफ 17 ग्राम NH3 गैस प्रेजेंट इन मैंने कहा 2 लीटर सॉल्यूशन। क्लियर? और आपको कहा जाए फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 गैस इन फॉर्म ऑफ बोलो मोलरिटी इन सॉल्यूशन। क्लियर? पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? बोलो तो इस बार हमें डायरेक्ट मोल नहीं दिया, मोल हमें पता लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो मैंने कहा पहला काम NH3 के मोल बोलो मोल कैसे बनाएंगे? बोलो NH3 की मात्रा। क्लियर? मैंने कहा मास ऑफ NH3 डिवाइड बाय
NS3 का अणु भार। देखो मैं पहले सिखा रहा हूं इसलिए हर छोटी सी छोटी चीज लिख रहा हूं, क्लियर, क्योंकि एक बार हम सीखे उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। क्या लिखा मैंने बोलो, मास ऑफ NS3 डिवाइड बाय क्या लिखा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NS3, ठीक है। बोलो मास तो मुझे दिया, कितना दिया बोलो 17, और मॉलिक्यूलर वेट कोने में जाके पता लगाना पड़ेगा, चलो पता लगाते हैं। ये गए बोलो इधर, N का कितना होता 14, H का कितना होता 1, 3S तो कितना आ गया 17, बात समझ में आए। बोलो इधर आ गए वापस, पता चला कितना मोल है, बोलो कितना मोल है 1 मोल, क्लियर। कोई दिमाग में सोचे सर पहले ही दे देते, अरे भाई एग्जामिनर की मर्जी, और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अच्छा यहाँ पर फिर वॉल्यूम तो दे ही रखा है लीटर, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 0.5 क्या आ गया मोल पर लीटर, क्लियर। तीसरी वैरायटी क्या दे सकता है, सपोज दैट आपसे कहा जाए 64 ग्राम O2 गैस, ठीक है, O2 गैस 500 ml विलयन, ठीक है, विलयन में उपस्थित है, ठीक है, उपस्थित है, तो O2 गैस की बोलो कॉन्सेंट्रेशन सांद्रता बोलो मोलरता में विलयन में होगी, विलयन में होगी। क्वेश्चन समझ में आया, बोलो आपको क्या दे सकता, क्या क्या पूछ सकता, मैं आपको बता रहा हूं। इफ मैंने कहा 64 ग्राम, मैंने कहा O2 गैस, बोलो मैंने कहा प्रेजेंट इन बोलो 500 ml सॉल्यूशन, ठीक है, और आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड आउट क्लियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन फॉर्म ऑफ मोलरिटी इन सॉल्यूशन, क्लियर। ये आपको क्वेश्चन है, बात समझ में आए, बोलो अगेन इस बार भी क्या होंगे, ऑप्शन होंगे, क्लियर। ऑप्शन में क्या होगा, एक होगा आपका 2 mol/L, क्लियर, एक होगा आपका सपोज इट 1 mol/L, ओके, एक होगा 4 mol/L, ठीक है, बोलो एक होगा आपका सपोज इट 1/2 mol/L, ऐसे ही होंगे ऑप्शन। अच्छा इस बार हमने क्या देखा कि पहले मोल बनाने पड़ेंगे, ठीक है, मोल ऑफ O2, बताओ मोल बनाऊंगा तो मात्रा कितना 64 डिवाइड बाय 32 लिख दूं डायरेक्ट, अरे हाँ यार इतना तो बड़े हो ही गए हम, क्लियर, कितना पता चल रहा है बोलो 2 mol आ गया, क्लियर। अच्छा मोलिटी निकालनी है, पहले क्या करूंगा 2, लेकिन वॉल्यूम किसमें, बोलो ml में, लीटर में करने के लिए ऊपर क्या करना पड़ेगा 1000 करना पड़ेगा, क्लियर। बोलो कोई तो क्या, मैं तो सर इसके नीचे करूंगा तो भी कोई बात नहीं, ऊपर तो वो चला जाएगा अपने आप, अरे समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। अच्छा फिर क्या हुआ, ये 2 और 2 क्या हो गया 4 mol/L, या आपको 4 m मिले, एक ही बात है। पहले बताओ आपको 3 क्वेश्चन बताया, समझ में आया, बोलो अगर वॉल्यूम लीटर में दे टेंशन खत्म, ml में दे तो लीटर में बदलना है, अगर डायरेक्ट मोल दे तो टेंशन खत्म, मास दे तो मोल पहले निकालना है। और मैं तो आपसे कह रहा हूँ मास क्या, वो किसी में भी दे तो भी मोल पता लगा सकते हैं, और समझे समझे, बोलो बाकी इस चैप्टर में तो आपको मास ही दिया जाएगा। पहले बताओ एक मोलरिटी मैंने पढ़ाया, समझ में आया, बोलो मतलब एक पैटर्न बता दिया मैंने कि हमें सारी केसेस स्टडी करना है, एक का फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, यूनिट याद रखना है और उससे हम फॉर्मूला बना सकते हैं, उससे हम हर चीज कर सकते हैं, आई बात समझ में। बोलो अब आप क्या करोगे, नोट करोगे, ठीक है, ये तो बात समझ में, ये मैं एक पैटर्न बता रहा था हमें स्टडी कैसे करना है, ठीक है।
ओके ठीक है। क्या बताए, तीन बातें समझ में आए बोलो आपको। ठीक है कि एक्चुअली हमें क्या पता होना चाहिए, वो है पहला यूनिट, दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, और सबकी स्टडी हम इसी पैटर्न से स्टडी करेंगे। क्लियर? ये क्या लिखा समझ गए बोलो। ओके वॉल्यूम, ठीक है ना। ये मुझे क्या बताता है कि जैसे मैंने बोला मोल निकालने के लिए जब मुझे मात्रा मिली तो अणु भार से डिवाइड किया था, ऐसे ही मुझे अगर सॉल्यूट विलेय के वॉल्यूम मिल जाता तो 22.4 से डिवाइड करता, ऐसे कभी चार्ज मिल जाए तो 96500 से डिवाइड करेंगे, ऐसे कभी नंबर मिल जाए तो इससे डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम अपनी सोच यहां तक नेरो नहीं रखना चाहते। मैंने आपको क्या कहा, बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में रहता है कि मोल मतलब मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल मतलब मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा नहीं है। ये तो इसका एक पार्ट है, एक फॉर्मूला है, मास मिले तो निकालने का है। क्या मोल खाली मास मिले तो ही निकाल सकते हैं क्या? ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। बात समझ में आए बोलो। मतलब ये यहां तो यही काम आएगा, फिर भी मैंने आपको स्पेशल नोट में क्यों बताया समझ में आया बोलो, कि आपको मोल का मतलब आपके माइंड में रहना चाहिए कि मैं मोल कई तरीकों से निकाल सकता हूं, बस गिवन इंफॉर्मेशन क्या है बोलो। अगर मुझे किसी एने बोलो आज NH3 की संख्या दे देते बोलो, मेरे को बोलते इतने लीटर विलयन में NH3 की संख्या इतनी है, तो बताओ मोलेटी क्या होगा? तब भी तो मुझे मोल तो निकालने ही पड़ते ना बोलो, तब मैं मोल कैसे निकालता? उस दी गई संख्या में 6 डिवाइड बाय 10 की पावर 23 से डिवाइड करता, और एक बार मोल मिल गए फिर तो मैं मोलरिटी निकाल ही लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। माना कि इस चैप्टर में हमेशा आपको मास मात्रा दी जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने कहा आपको पता होना चाहिए। क्लियर? या नहीं, हर वो यूनिट जिसके अंदर मोल आएगा। बात समझ में आए बोलो। ओके किया ये तीन नोट बोलो, पहले बताओ इसका मतलब समझे नहीं समझे बोलो। एक मोल मात्रा में किसके बराबर होता है? अणु भार के। मात्रा में किसके बराबर होता है? अणु भार के। बोलो वॉल्यूम में किसके बराबर होता है? क्लियर? आयतन आवेश में किसके बराबर होता है? 96। यानी आज आपको कोई पूछे एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96500। कोई बोले एक मोल फलाना राम का चार्ज कितना होता है? एक मोल बोल दिया, चाहे तुम इलेक्ट्रॉन बोलो चाहे दुनिया की कोई सी चीज बोलो, चार्ज तो यही रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? क्या बोला मैंने समझ में आया बोलो? एक मोल चार्ज में किसके बराबर होता है? 9650। चाहे वो एक मोल इलेक्ट्रॉन हो चाहे वो एक मोल कोई सा भी चीज
चीज हो। बात समझ में आए? बोलो, एक मोल में नंबर कितने होते हैं? 6 × 10³। चाहे वो एक मोल कोई से भी नंबर हो, चाहे वो ऑक्सीजन अणु के नंबर हो, ऑक्सीजन परमाणु के नंबर हो, एक मोल किसी के भी नंबर पूछेंगे तो यही नंबर होंगे। बात समझ में आए? बोलो आपको। ओके अच्छा, फिर मैंने कितने क्वेश्चन कराए आपको? 3 क्वेश्चन कराए। तीनों का मतलब समझे आप? एक एकदम सिंपल, जिसमें डायरेक्ट मोल दे, वॉल्यूम को भी लीटर में दे। एक में मास दिया और वॉल्यूम लीटर में दिया, एक में मास दिया बट वॉल्यूम किस में दिया? एमएल में दिया। समझ में आया? बोलो आपको। एकदम सिंपल बेसिक चीज से सिखा रहा हूं, क्लियर? क्योंकि छोटी छोटी चीजें क्लियर होगी तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। आपको इतनी बात समझ में आई? बोलो आपको। ठीक है, पहला क्वेश्चन किया आपने, बोलो नोट। ठीक ओके, बात समझ में आई? हो गया है नोट? बोलो ठीक है, हो गया नोट?
ओके, क्या ये भी नोट हो गया सबका नोट? बोलो, आया समझ में? बोलो, ठीक है, ये हो गया था ना नोट सबका? ठीक है, ये वाला ठीक है। इसमें क्या था, आपको NH3 के मोल नहीं दिए, मात्रा दी, और वॉल्यूम दिया 2 लीटर। तो पहला काम मात्रा तो मोल निकालना पड़ेगा। तो NH3 मोल कैसे निकालते हैं? NH3 की मात्रा डिवाइड बाय NH3 का अणुभार। तो मात्रा कितनी है बोलो? 17। और अणुभार भी कितना है? 17। 17 कैसे पता चला? बोलो 17। NH3 में नाइट्रोजन का कितना होता है? 14। और एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 3 हाइड्रोजन का 3 × 1, और काउंट किया तो कितना आया? 17। बात समझ में आया? बोलो, तो 17 डिवाइड बाय 17 किया तो 1 मोल आ गया। मोल आ गया, वॉल्यूम आ गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिवाइड बाय 2। अरे समझे ही समझे, बोलो ये क्या किया? समझ में आया? बोलो NH3 की बोलो मुझे एम निकालनी है। ठीक है, तो एम में क्या लिखूंगा यहाँ पर? बोलो मोल ऑफ NH3 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये तो कितना आया था? 1। और वॉल्यूम कितना दे रखा है बोलो? 2 लीटर। फिर तो 0.5 आएगा आएगा। बात समझ में आई? बोलो ओके। किया ये नोट? बोलो ओके। ये 3 तो मैंने कराए हैं, अभी आपका नंबर आएगा। और ये तो आपने किए? मैंने कराए। बोलो ये तो मैंने कराए। मैं आपको पूछूंगा 4 क्वेश्चन के साथ, आप आंसर बताओगे तो मुझे पता चलेगा। बोलो क्लियर? ओके पूछू मैं? बोलो 3 तो वैरायटी मैंने बता दी, और क्या पूछ सकता है? मैं पहले आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले आप करना फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। बोलो किया ये नोट? बोलो दूं मैं? करोगे? बोलो ठीक है, हो गया ये नोट? बोलो क्वेश्चन नंबर 4 हटा दो ये। ओके, मैंने दिया यहां पर दो सौ एम एल NH3 NaOH, ठीक है, विलयन की सांद्रता 10 m है। m लिखू या मोल पर लिखू, एक ही बात है। बोलो तो NaOH के मोल ज्ञात करो। ठीक है, क्या पूछा? जो मैंने सिखा दिया वैसा तो पूछूंगा नहीं। बोलो और क्या बन सकते हैं? वही क्वेश्चन देख रहे हैं ना अपन। मैंने कहा इफ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 200 ml NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, इज 10 m, फाइंड आउट मोल ऑफ NaOH, ठीक है, इन
सॉल्यूशन, ठीक है। पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया, बोलो आपको। ओके, ऑप्शन है अपना ए बी सी डी, ठीक है। पहला है 1 मोल पर लीटर, 2 मोल, अरे खाली 1 मोल, 2 मोल, ठीक है, 3 मोल और नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं, ठीक है, किया। किस किस का हो गया, हाथ खड़े करो। भाई कुछ दूंगा कुछ पूछूंगा ना, ऐसा ही होगा, बोलो। मतलब कुछ आपको दिया जाएगा, कुछ आपसे पूछा जाएगा, बस आपको करने के लिए क्या करना है भाई। मोलरिटी होती क्या है, आप कहोगे NaOH के मोल डिवाइड बाय विलयन की, बोलो विलयन का आयतन। इस बार आपको मैंने ये दे दिया और ये दे दिया। अच्छा, वॉल्यूम जब ml में दिया तो ऊपर 1000 तो आएगा आएगा, बोलो क्लियर। ये कितना दिया, 10। ये तो मैंने आपसे पूछा है, ठीक है, NaOH के मोल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम कितना दिया, 200, ऊपर 1000 तो करूंगा। ये काटा कितनी बार, 5 बार, 5 से, अरे अरे अरे, 5 से ये काटा कितनी बार, 2 मोल। NaOH के मोल बोलो कितने होंगे, 2 मोल। पहले बताओ समझ में आया ही नहीं आया, बोलो। बात समझ में आई, बोलो। कुछ दिया जाएगा, कुछ पूछा जाएगा। जो मैंने आपको बताया है कि फॉर्मूला क्या होता है, मोलेट इज इक्वल टू मोल डिवाइड बाय लीटर, क्लियर। तो बस आपको जो दिया जाए उसको यूज करना है, और जो पूछा जाए वो आपको बताना है। 3 सीधे सीधे मैंने कराए थे, उल्टे भी पूछे जा सकते हैं। मैं चाहता तो अगेन मैं एनएच की मोल की जगह एनएच का मास पूछ लेता। मोल आने के बाद मास निकालना हो एनएच के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देना है, अपने आप बोलो मुझे 80 ग्राम मात्रा मिल जाती, बोलो। और समझे नहीं समझे, बोलो क्लियर। पहले बताओ मेरी बात समझ में आए। ये ऊपर 1000 क्यों किया, समझ में आया? क्योंकि वॉल्यूम किस में दिया, अगर लीटर में देते तो नहीं लिखता, इसलिए मैं कभी भी फॉर्मूले में ऊपर 1000 नहीं लिखाता हूं, वो तो ऑन कंडीशन है। बात समझ में आए? आप देखोगे पहले से ही किताबों के अंदर, या बहुत सारे टीचर भी क्या करते हैं जब ये सिखाते हैं तो यहाँ पर 1000 लिख देते हैं, भाई गलत हो जाएगा। वो तो ऑन कंडीशन है, अगर वॉल्यूम में लीटर में मिलेगा तो लीटर में, ml में मिलेगा लीटर में, बदलूंगा तो ऊपर 1000 आएगा। इसका मतलब जो मैंने आपको बताया यही चीज ध्यान रखनी है, ये मतलब ये ध्यान रखना है, बोलो। बात समझ में? पहले बताओ इन 3 पॉइंट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जहां पर आप अटक जाओ, बोलो। हर चीज का सॉल्यूशन इन 3 स्पेशल नोट में, बोलो। बात जिसकी भी जरूरत पड़े, अभी मैं आपसे कहूं NaOH का मैंने मोल पूछा था, NaOH की मात्रा पूछता तो भी कर लेते हैं। और बोलो हर चीज का सॉल्यूशन इसी में, मतलब एक मैंने कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई है, एक पैटर्न बताया कि हमें कैसे स्टडी करना है, बोलो। बात समझ में? ऐसे ही हमें नॉर्मलिटी, ऐसे ही मोलिटी, ऐसे ही हमें फॉर्मलिटी, सबको पढ़ना है यही पैटर्न। पहले आपको फॉर्मूला, फिर उससे बोलो क्या क्या स्पेशल नोट, और फिर कैसे कैसे क्वेश्चंस। बात समझ में आए? पहले बताओ आपको कुछ मेरी बात समझ में आई, बोलो। ये क्वेश्चन सब पलक झपकने जितने से हैं, और समझे समझे बोलो, बट कब जब हम सीख जाए। बात समझ में आई, बोलो आपको। पहले बताओ ये वाला आया कि नहीं आया समझ में, एक बार वापस बताओ समझ गए, वापस बताओ समझ गए। सीधी सी बात है, ये लिखा मैंने, क्या दिया है, ये दिया, ये दिया है, ये पूछा है, लेकिन ये किस में दिया, ml में, तो ऊपर 1000 करूंगा। फिर वैल्यू रखा और काटा, ये काटा वाटा ये तो मैथ्स की बात है, बोलो। जब तक ये वैल्यू रखी तब तक केमिस्ट्री है, समझ में आया?
ऊपर इधर ध्यान दो, ऊपर 1,000 नीचे 200 है, रखने के बाद क्या करोगे? देखोगे, और देखोगे क्या? काटोगे ना? अच्छा काट भी दिया, या 5 है या 10 है ये निकालना है, फिर क्या करोगे? अरे बोलो काटोगे, 2 मोल आएगा ना, मतलब पेन चलाओगे तो दिमाग अपने आप चलेगा। बात समझ में आए? पहले बताओ आज मैंने क्या बताया, एक सिखाया बट एक पैटर्न बताया कि इनको कैसे स्टडी करना है। बात समझ में आए? बोलो ओके, बाकी कल स्टडी करेंगे। ओके।